नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देख न्यूज में। मुंबई में छठ पूजा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस वर्ष तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। इसका बड़ा कारण है आगामी कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी के चुनाव। अकेले मुंबई में करीब 7 से 8 लाख बिहारी वोटर रहते हैं और अगर इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों के लोगों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 20 से 25 लाख के पार चला जाता है। पूर्वांचल में जिन जिलों के लोग छठ पूजा मनाते हैं उसमें गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, बांदा, हरिहरगंज और रोहतास सासाराम से सटे यूपी के बॉर्डर के एरिया के लोग शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में हिंदी भाषी समाज भी जूही चौपाटी, मड आइलैंड, गोराई पवई और छठ पूजा आयोजन स्थलों पर जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर ने अब तक अपने मंत्रालय में 2 बार छठ पूजा आयोजकों के साथ बैठक की है और राज्य सरकार द्वारा जगह की तुरंत मंजूरी, छठ व्रतियों के लिए रात भर रुकने की व्यवस्था करवाने, पानी बिजली पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था देने का आश्वासन भी दिया है। हर साल जुहू चौपाटी पर उत्तर भारतीय और बिहार के लोक कलाकारों का छठ भी लोक कलाकारों का छठ की शाम से अगले दिन सुबह अर्घ्य देने तक कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देख न्यूज के साथ। Oh, oh, oh.